नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉई खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को लेकर एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने कल यहां पर भीलवाड़ा राजस्थान में एक बड़ी सभा को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर जिन भी सांसदों और विधायकों के पास हम यहां पर जाते हैं, वो सांसद और विधायक खुद यहाँ पर जो है हजारों की पेंशन ले रहे हैं, लेकिन वहीं पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पैसा सरकार के पास जमा होने के बावजूद भी सरकार उनकी सूद नहीं ले रही है। हमने जिंदगी भर पैसे भरे, काम तो किया है, साथ में हर महीने पेंशन के लिए पैसे भरे, 417, 541, 1250 ये पैसे भर रहे। अगर इन पैसों का वैल्यूएशन आज की तारीख में लिया जाए तो सरकार के पास हर आदमी के 20 लाख रुपया जमा है, 20 लाख। वो 20 लाख रुपया हमको कभी वापस नहीं मिलेगा, ये उन्होंने सितंबर 2008 में मीटिंग लेकर तय किया है। दिया हुआ पैसा खत्म, उसका जो ब्याज मिलना चाहिए कम से कम 15,000, वो भी नहीं मिलता है। आज पूरे भारत में प्रभात जी, पूरे भारत में एवरेज पेंशन 1171 रुपये है। 1171 रुपये मेरी पूरी जिंदगी के पैसे लेने के बाद मुझे बताया गया कि 1171 रुपये में आप और अपनी गुड़िया जियो, जियो खुशी से जियो। शेम, ये गलत है कि सही है? गलत है। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। और ये हो रहा है, और हम भीख का कटोरा लेके उन लोगों के पीछे घूम रहे हैं जो चार-चार पांच-पांच पेंशन फुकट ले रहे, सेवा का व्यापार बना दिया इन्होंने। बराबर है कि नहीं? सांसद विधायक कितने पेंशन है उनको? हमारे यहाँ पे जो भाजी बेचता था टोकरी में, उस विधायक बन गया, पता चला 20,000 करोड़ की संपत्ति है, 40,000 करोड़ की संपत्ति, और उसको 4-5 पेंशन मिल रही फुकट में। इतने पूरे भारत में मैंने ऐसा एक भी माइका लाल नहीं देखा कि जो बोलता है मेरे पास बहुत है, मुझे पेंशन नहीं चाहिए। देखा आपने? है कोई इनमें से? और जिनके पैसे है उसको दबा के रखा है और फुकट में बांट रहे हैं। इनके इलेक्शन की कुर्सी टिकाने के लिए लाडली बहना लाडला भाई बाप का मारे क्या? अरे जिसका पैसा है उसको देना चाहिए। बराबर की जोड़, बराबर है क्या? आपको क्या अधिकार है मेरा पैसा लेके दूसरों में बांटने का? हमारे कमाई में से दूसरे को जमाई बना रहे हो। साथ ही कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि यह ईपीएस 95 पेंशन धारकों के केवल पैसों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये उनके वजूद, हक और अधिकार की लड़ाई भी है। संघर्ष केवल 7,500 महंगाई भत्ते के लिए नहीं है, वो तो होगा ही, उनको देना पड़ेगा, लेकिन ये संघर्ष हमारे आइडेंटिटी वजूद के लिए, अस्तित्व के लिए। आज उस उम्र में मेरी क्या आइडेंटिटी है? मैं नाना हूं, किसी का दादा हूं, बराबर है? अगर मेरी नाती पोती मेरे पास आती है तो मेरे नाना या दादा के पास 500 रुपए का फ्रॉक खरीदने के लिए पैसा नहीं, बराबर की झूठ है? तो मेरा मेरे तीसरे पीढ़ी से कनेक्शन खत्म, मेरे पास मेरी तीसरी पीढ़ी आएगी नहीं। हमारे संस्कृति का जो वहन होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। अब ऐसे दादा के पास कौन जाएगा जो खुद सा लाचार बना बैठा है? बराबर ही नहीं। वो बोलेगा दादा के पास जाओ, 10 रुपए तो देते नहीं, उल्टा 2-4 ज्ञान की बातें पिला देते, बराबर ही नहीं। तो केवल ज्ञान पिलाने से लोग पास में नहीं आते, उनको आपको प्यार देना होगा। प्यार देने के लिए आज के जमाने में पैसा चाहिए, बराबर ही झूठ है? तो वो पैसा हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत यहां पर जगह जगह पर पेंशन धारकों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी क्रम में उन्होंने राजस्थान भीलवाड़ा में भी यहां पर जो एक मीटिंग संपन्न की, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी, ये अपडेट आपको जो है पसंद आया होगा। ये वीडियो, ये जानकारी, ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।